नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब ईवीएम के किस्मत केंद्र का राज 3 दिसंबर को खुलेगा, जो आगामी सरकार की स्थिति को स्पष्ट करेगा कि आखिरकार सरकार किसकी होगी। इसी बीच आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। प्रदेश में मतदान 5 साल के कामों पर हुआ। जो लागू की गई वो राजस्थान में नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय थी। वो राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाएं थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बल्कि उसको अंगीकार करने के लिए भी होड़ मची हुई है। ऐसे में मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की जो हमारी 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने लिए उनको भी लोगों ने स्वीकार किया। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात थी उसको भी लोगों ने बहुत दिल से लेकर के और अत्यधिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने भी। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की पहले 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के द्वारा और फिर 7 गारंटियां जिस प्रकार से आगे वादा किया गया, जनता ने उस पर विश्वास किया है। और इन सब चीजों के साथ साथ जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट आपसी कलह जो 7-8-9 मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए थे उनसे और राजस्थान की जनता के कोई भी मुद्दा उन्होंने 5 साल में प्रतिपक्ष के रूप में नहीं उठाया, उससे जनता नाराज थी। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से वो प्रभावित थी। इसलिए जो मतदान हुआ वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। और राजस्थान में निश्चित रूप से 3 तारीख को जब मतदान का काउंटिंग होगी तो उस काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो जनता ने मत दिया है वो जनता ने, जो राजस्थान की सरकार ने अच्छा काम किया और संगठन और सत्ता ने समन्वय के साथ में जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रहे हैं और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, उनके बलबूते पे, उनके विश्वास पे, उनकी ऊर्जा से मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बन रही है। क्या सर ओपीएस पे आपको क्या लगता है, क्या वोट पड़ा मतदाताओं ने? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जो हमारी सरकार का मूल जो सबसे बड़ा जो काम है वो है सोशल सिक्योरिटी का, और सोशल सिक्योरिटी के बिंदु पे ओपीएस एक प्रमुख बात है जो कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है। और दूसरे भी जितने भी, चाहे आप पेंशन की स्कीम को ले लीजिए, चाहे वो 25 लाख के इलाज की बात ले लीजिए, आप 50 लाख की हमने वादा किया है, गारंटी दी है। भीलवाड़ा जिले के भगवानपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने वर्षों पुरानी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी, जिससे गांव वासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मांडल हरिपुरा एवं लुहारिया से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में बंद 199 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आगामी 3 दिसंबर को होगा, जब ईवीएम में बंद जनता के वोटों की गिनती शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना दलों के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग, अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारियों व आईटी स्टाफ को बुधवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड के मामले लगातार जारी हैं। घर वालों के सपनों के बीच आए दिन स्ट्रेस के चलते बच्चे अपनी जान देने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच कोटा से सुसाइड मामले में बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिला कलेक्टर MP मीणा ने कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जयपुर में अधजली युवती की लाश मिलने से अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं, क्योंकि युवती को लेकर चार परिवारों का दावा है कि वो उनकी बेटी है। इसलिए अब युवती की लाश का DNA टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि मामले में सामने आए एक परिवार का दावा है कि शव उनकी बेटी का है, जो एक गैंग रेप पीड़िता है। परिवार ने बताया कि पीड़िता 15 नवंबर से गायब थी, लेकिन गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद कालाडेरा थाना पुलिस ने उसकी तलाश तक नहीं की। पुलिस ने कहा कि खुद ढूंढ लो। जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र में एक कलियुगी पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी की कथित रूप से गला रेत कर हत्या करने के बाद उसका शव पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिता ने मंगलवार दोपहर को बड़ी बेटी की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या करने के बाद उसकी शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का होता है, लेकिन मौजूदा समय में इस रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला अक्सर सामने आते रहते हैं। ताजा मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया है, जहां एक महिला ने सुपारी देकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करते हुए इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में गोवा में आयोजित हुए रोल बॉल राष्ट्रीय खेलों में विजेता रहे राजस्थान के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रोल बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनोहर कांत के नेतृत्व में मिले इन खिलाड़ियों में पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक प्राप्त किया है। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी चिकित्सा महकमा अलर्ट हो गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि चीन में जैसे श्वसन रोग के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी ही स्थिति अगर राजस्थान में बन जाए तो इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। इसके लिए चिकित्सा विभाग के निर्देश के बाद आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। नहीं, मॉक ड्रिल का तो ये था, जितने भी हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ जो यहाँ पे चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, जैसे मेरे साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर भरत भूषण जी भी हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि भी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, और वो संसाधन हमारे पास अभी उपलब्ध है कि नहीं है। अगर कोई चीज़ की कमी है तो हम उसको पूरा कर पाए। किस प्रकार की बीमारी है, क्या सबसे बड़ा जो अस्पताल है SMS अस्पताल राजस्थान का, इसमें ऐसे कोई पेशेंट आए? बिल्कुल नहीं, अभी तक राजस्थान में भी इस तरह का कोई पेशेंट नहीं आया, ना इस हिंदुस्तान में ऐसे रिपोर्टेड हैं कि वही बीमारी के पेशेंट नहीं आए। चूँकि अब ये है कि मौसम का बदलाव है, तो जैसे हर वर्ष की में जो वायरस के और जो जुकाम खांसी बुखार के पेशेंट्स आते हैं वो तो आने ही हैं, हर साल आते हैं, लेकिन वही है कि चाइना से जो अपन को जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन के जो पेशेंट आ रहे हैं जिसमें निमोनिया हो रहा है, इस तरह का इंडिया के अंदर अभी तक तो कोई आउटब्रेक नहीं है। कोरोना का कालखंड हमने देखा है, अब चूँकि एहतियात के रूप में जो भी कोई बीमारी दिखती है संभावित, उसको लेकर आपने मॉक ड्रिल भी करवा रहे हैं, व्यवस्थाएं की बात की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं? व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी कि हमें अलग से सेपरेट एक वार्ड वार्ड्स अलग से चिन्हित रखें, जिसमें इस तरह के पेशेंट को अलग किया जाए, उनके लिए एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास पूरी रहे, उनके लिए जांच के लिए अलग से सेपरेट केंद्र हों, उनके पास हमारे पास मैन पावर डॉक्टर्स की नर्सिंग स्टाफ की वो अवेलेबल रहे, तो और ICU अवेलेबल रहे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन या वेंटिलेटर वो हमारे पास, तो ये सब चीज़ें इसी क्रम में इसी, और ये वैसे भी किसी भी चिकित्सालय के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज अगर डिजीज़ नहीं आती तो भी कि हम अपनी तैयारियों को टाइम टू टाइम देखें। राज्य सरकार की ओर से कोई अलर्ट एडवाइजरी? बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, उससे पूर्व में जैसे हिंदुस्तान भारत सरकार ने भी की थी, और इसी क्रम में कल
ACS मैडम सुब्रा सिंह जी ने भी एक VC ली थी और उनको सबको पूरे राजस्थान को इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से होकर गुजर रहा है, अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। धौलपुर और करौली जिले का अधिकतम तापमान 25 डिग्री है, वहीं जालौर, बाड़मेर और अलवर जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंच गया। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।